कल्पना सोरेन की सियासत में एंट्री हो चुकी है, जहां उन्होंने अपने पति हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में पार्टी की जिम्मेदारियां की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में संभाल लिया है। वहीं राज्य में एनडीए अलायंस को नेतृत्व देने की तैयारी में भी जुट गई है। देखिए रिपोर्ट। कभी राजनीति से दूर रहने वाली कल्पना, जो राज्य के सबसे बड़े सियासी घराने की बहू है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में अब सार्वजनिक मंचों पर मौजूद नजर आती है। चाहे लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करने की बात हो या गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर इंडिया घटक दल के नेताओं के साथ बैठक की, सभी में शामिल होकर अपने बातों को वो प्रमुखता से रख रही हैं। निश्चित रूप से परिवर्तन तो है और बहुत बड़ी पूरे झारखंड में लहर कल्पना जी के आने से हो रही है और निश्चित रूप से इस 2024 के चुनाव में कल्पना जी की अहम भूमिका रहेगी और परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलेगा और 14 से 14 सीटों जो है हम लोग इंडिया गठबंधन को हम लोग लेंगे। अब कल्पना सोरेन की चर्चा झारखंड के साथ साथ देश के सियासी गलियारों में भी होने लगी है। एमबीए की पढ़ाई कर चुकी कल्पना प्रबंधन की कला में निपुण मानी जाती है। भाषा की बात करें तो वह हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, पंजाबी और उड़िया के साथ क्षेत्रीय भाषा धारा प्रवाह बोलती हैं। देखिए, मैं तो कहूँगा कि इंग्लिश में एक वर्ड है प्रोडिजी, जो होता है ना बचपन से बहुत तेज होते हैं, जो एक एक साल में ही दो दो क्लासें पास कर जाते हैं। तो शी इज़ अ प्रोडिजी एंड शी इज़ अ नेचुरल लीडर। और बार बार मैं बोलता हूँ कि उनको मजबूर, वो ऐसी नहीं थी, घर की गृहिणी थी। तो अगर गृहिणी को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो घर की दहलीज पार कर जाए, और गिवन हर बैकग्राउंड एजुकेशन, और चूंकि उनके फादर मिलिट्री में थे तो एक जो सिस्टम होता है लाइफ का, रूल्स रेगुलेशन, उसमें रहते हुए कैसे एक्सेल करना है, तो उन पे ऑलरेडी बचपन से भरा हुआ लीडरशिप क्वालिटीज़, सैनिक होने के कारण लड़ने का जज्बा। और शी इज़ अ प्रोडिजी। मुझे लगता है कि जो हम लोग आम लोग 10 साल में 10वीं करते हैं, वो 2 साल में 10वीं तक पहुंच गई हैं, और अब 12th के और ग्रेजुएशन और PhD सारा कुछ करके पॉलिटिक्स में शी विल बी एट द टॉप। गिरिडीह में आयोजित अपनी पहली सार्वजनिक रैली में कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला और केंद्र की मोदी सरकार पर एक परिपक्व नेता की तरह जमकर हमला बोला, जिसने कार्यकर्ताओं में गजब का जोश भर दिया। पार्टी के कार्यकर्ता जहां कल्पना सोरेन के सक्रिय राजनीति में आने से उत्साह से लबरेज दिख रहे हैं, वहीं पार्टी की ओर से मजबूती मिलने की बात कह रहे हैं। अभी तो नई नई एंट्री हुई, लेकिन जब से वो आई है तब से झारखंड मुक्ति मोर्चा या झारखंड के जो लोग हैं उनको हाथों हाथ ले रहे हैं और उनके विचारों से, उनकी बातों से काफ़ी लोग प्रभावित हो रहे हैं। और जिस तरह उनकी बात होती है या भाषणों में भी आप सुने होंगे, उससे काफ़ी मतलब चर्चे में है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इनकी सोच से झारखंड को काफ़ी फायदा होगा। देखिए, कल्पना सोरेन दीदी जो जिस तरह से जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहा है, उनके साथ पूरा जनता है, पूरा झारखंड के जो जनता है उनके साथ है। जिस तरह से हमारे नेता हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है गलत नीतियों के खिलाफ, अभी तक उनका जो गिरफ्तारी किया गया है उनका अभी तक साबुत मिला नहीं है, लेकिन फिर भी जो BJP का जो रणनीति है उसको कभी सफल नहीं होगा। हम जनता जागरूक हो गए हैं और जनता के खिलाफ, मतलब BJP के खिलाफ वोट करेंगे, और जनता भी चाहती है। और फिर से हमारा JMM प्रत्याशी जो भी होंगे, हम इस लोकसभा में उनको जिताएंगे, फिर से हमारे झारखंड में JMM का ही राज होगा। मुंबई और दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होने के बाद कल्पना सोरेन का आत्मविश्वास बढ़ा है और अब वह उसी तर्ज पर रांची में एक बड़ी रैली कर शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है। अब कल्पना सोरेन और JMM का भविष्य क्या होगा, वो तो 21 अप्रैल की रैली ही तय करेगी। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरेन प्रसाद के साथ अंजनी कुमार की रिपोर्ट।